सक्करधरा पुलिस थाना अंतर्गत बड़ा ताजबाग परिसर में आने वाले सरदार किराना के पास आज से रंजिश के चलते प्राणघाती हमला करने का मामला सोमवार को सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरा आरोपी की तलाश अभी भी जारी। फिरियादी मोहम्मद शबीर मोहम्मद सरवर अपनी भतीजी की सगाई के लिए अपने परिवार के साथ अपनी बहन के घर गया था। 15 मार्च को फिरियादी अपने भतीजे और जीजा के साथ घर के आंगन में बैठा था, तभी आरोपी शाहबाज हनीफ ताजी और सुल्तान हनीफ ताजी उनके साथी के साथ मैदान में फिरियादी की भतीजी के बारे में जोर जोर से बात कर रहे थे। जब फिरियादी और उसका भतीजा जिशान अली मैदान में गए तो आरोपी ने पास की तलवार से जिशान की गर्दन में चाकू घोंप दिया और उसे जान से मारने का प्रयत्न किया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। सुल्तान ताजी और उसका भाई शाहबाज ताजी और उसके साथीदार, इन्होंने जो जानलेवा हमला पीड़ित पे किया है तो उसकी पूर्व भूमिका ऐसी है कि सुल्तान ताजी वो जो पीड़ित बच्चा है उसके बहन के पीछे 2-3 साल से पड़ा हुआ था। उस सिलसिले में पीड़ित महिला ने, यानी जो जिसको कल मार लगा है, उसके बहन ने 2019 में उसके खिलाफ विनय भंग का गुना भी दाखिल किया था और वो नहीं चाहती थी सुल्तान ताजी उसको तंग करे। उसके बाद से वो थोड़ा सा शांत था, लेकिन 14 तारीख को पीड़ित व्यक्ति के बहन का एंगेजमेंट किसी और बंदे के साथ में होने के वजह से आरोपी सुल्तान ताजी चिढ़ गया और उसने उसके भाई शहबाज ताजी और साथीदार के साथ में पीड़ित पे तलवार से जानलेवा हमला किया है और उस वो गुना पुलिस थाना सकरदरा में दाखिल है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुल्तान हनीफ ताजी को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त किया है। वही आरोपी शहबाज हनीफ ताजी और उनके एक साथी की तलाश अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।